अब हम आते हैं मार्क्स अपलोड करने के लिए हमें सीट चाहिए होता है कि हम कि मार्क्स अपलोड करने के लिए हमें सिर्फ क्या हमें चार कॉलम की जरूरत होती है। हमारा टेम्पलेट क्या चाहिए होता है मार्क्स अपलोड करने के लिए, जो मार्क्स अपलोड करने का टेम्पलेट है वो बहुत सिंपल है। वो क्या है, रोल नंबर, नेम, यूआईडी एंड मार्क्स। ऊपर कुछ भी नहीं डालेंगे, ऊपर हम कोई भी रो इंसर्ट नहीं करेंगे, ना हम कोई भी रो इसमें कुछ भी लिखेंगे। रो वन में हमेशा ये चार हेडिंग होगा, रोल नंबर, नेम, यूआईडी एंड मार्क्स। अब आपका देखिए इसको सेट करना कितना आसान है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो एक्सेल हमने अपलोड किया था, ये हमारा अपलोड एक्सेल रेडी हो गया। हमने इसको कर लेते हैं सेव एज, हमने इसको सेव एज कर लिया, यहीं पे डाल देते हैं, ठीक है। और इसको हमने नाम दे दिया फॉर मार्क्स अपलोडिंग। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, मैंने इसको अब फॉर मार्क्स अपलोडिंग दे दिया। अब ये हमारा सेव हो गया, ये हमारा क्या आ गया, फॉर मार्क्स अपलोडिंग एक्सेल बन गया। हमें चार कॉलम चाहिए, क्या चाहिए था, रोल नंबर, स्टूडेंट कोड, स्टूडेंट नेम। ये एडमिशन नंबर हमें नहीं चाहिए, हमने इसको डिलीट कर दिया। और यहाँ से लेके सारा कुछ हमें कुछ नहीं चाहिए, हमने इसको डिलीट कर दिया। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्या है, हम टेम्पलेट देखते हैं मार्क्स वाला। टेम्पलेट में सबसे पहला कॉलम क्या है, रोल नंबर, देन नेम, देन यूआईडी एंड देन मार्क्स। अब हम क्या करेंगे इसमें, हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे कि स्टूडेंट नेम को हमने यहाँ से कट किया, और यहाँ पे क्लिक करके आपने राइट क्लिक करो और इंसर्ट कट सेल कर दिए। अब देखिए रोल नंबर आ गया, स्टूडेंट नेम आ गया, स्टूडेंट कोड आ गया। ये आपका यूआईडी कोड कभी गलत ही नहीं होगा क्योंकि यही आपका वहाँ अपलोड हुआ है। अब हमारे पास ये वाला कॉलम कौन सा हो गया, मार्क्स के लिए, ठीक है, ये मार्क्स के लिए बन गया। अब आप हम क्या करेंगे, सपोज कीजिए कि मैं इंग्लिश टीचर हूँ और मुझे इंग्लिश का मार्क्स अपलोड करना है 7th का। मैंने क्या किया, फाइल, सेव एज, जहाँ भी हमको रखना है हम इसी में डाल रहे हैं मान लीजिए। अब हमने इस फाइल को नाम क्या दे दिया, 7th, सपोज कि आप ए सेक्शन में पढ़ा रहे हैं, 7th ए इंग्लिश टर्म इंड सब्जेक्ट इनरिचमेंट। अगर आपको पता है मार्क्स डालना है कि कितने मार्क्स में आपको मैक्सिमम मार्क्स डालना है तो आप यहाँ मार्क्स भी डाल लीजिए, ये आपकी मर्जी पे है, ये आपने आपको अपने हिसाब से सेट करना है। हमने इसको सेव कर लिया। अब ये हमारा क्या हो गया, 7th है इंग्लिश टर्म ई S20, ये हमारा सीट रेडी हो गया। इसी तरह से हम क्या कर लेंगे, इसको दोबारा करें, हम इसको सेव एज करते हैं, हमने उसी रिजल्ट पे डाल दिया, हमने इसको नाम दे देते हैं 7th ए इंग्लिश टर्म वन या टर्म टू जो भी करना है, सपोज कीजिए टर्म वन सब्जेक्ट, हमको मान लीजिए नोटबुक सबमिशन का है, नोटबुक सबमिशन, ये जो भी मार्क्स का है आपने मार्क्स डाल दिया, जो भी आपको डालना है आपने इस नाम से इसको सेव कर दिया, ये आपका सेव हो गया। इस तरह से आप सपोज कीजिए कि आपके पास 8 मॉड्यूल्स हैं, 8 बार हमें करना है, तो हमने सिंपल सा इसको 8 बार कर दिया। अब हमारे पास मार्क्स रेडी है, हम सपोज कीजिए कि हमारे पास मार्क्स ऑलरेडी रेडी है, आपने बना रखा है एक्सेल शीट, वहां से सिर्फ मार्क्स के कॉलम को कॉपी कीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, आपका रियल शीट रेडी हो गया। लेट से अब जैसे आपको यहाँ पे इंट्री कर लीजिए, पेस्ट कर लीजिए, आपकी मर्जी है। सपोज कीजिए यहाँ पे आपका पहले से टाइप किया हुआ था मार्क्स किसी कॉलम में, आपने उसको उठाना था, आपने उठाया उसको, आप यहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, अगर हम इसको ढंग से करेंगे तो हमें ये 2 मिनट में हमारा काम खत्म हो जाएगा। ये मैक्सिमम आधे घंटे का वर्क है। देखने में लगता है कि हमें 8 8 मॉड्यूल्स पर हमें 8 बार अपलोड करना होगा, पर इसमें गलती होने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं रहेगी। आप एक एक करके 8 बार उसको सेव कर लीजिए फाइल को। यूआईडी पहले से आपके पास है, स्टूडेंट आईडी आपके पास पहले से है, स्टूडेंट कोड, तो जब आप अपलोड करेंगे तो गलती होने की चांस बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, आपके पास कोई गलत होने का चांस नहीं रहता है।